हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। यहाँ मथुरा और वृंदावन की जो राधे कृष्ण मंदिर है, राधा दामोदर दास मंदिर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वहाँ हमारे एक परिचित पत्रकार हैं, उन्होंने हमें ये वीडियो सारी भेजी है। मैं तो दिल्ली में हूँ, ऊपर मैं नहीं जा पाई, लेकिन आप लोग वहाँ का वीडियो देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मथुरा और वृंदावन का जो जन्माष्टमी त्यौहार। तो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और वहाँ जो है राधा दामोदर दास मंदिर है, वहाँ की ये वीडियो है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखेंगे, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली, और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह मिलता है। फ्रेंड्स, आपने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है और हमारा 4,000 वॉच टाइम पूरा करवा दिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप जो भी देखें उसे पहले सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा सब्सक्राइबर का पूरा हो जाए। तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जय श्री कृष्णा। आप पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। राधा दामोदर मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रातःकालीन बेला में सर्वप्रथम
श्री राधा दामोदर, श्री राधा माधव, श्री राधा छैलचिकन और श्री राधा वृंदावन चंद्र, इन चारों के उत्सव विग्रह को अभिषेक पात्र में विराजमान किया गया। इनके साथ साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा प्रदत्त एकमात्र गिरिराज चरण शिला, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं सनातन गोस्वामी को दिया था, उनको भी अभिषेक पात्र में विराजमान किया। तत्पश्चात दूध, दही, घी, बूरा, शहद, नाना प्रकार की औषधियाँ, यमुना जल, गंगा जल, गुलाब जल, इनसे ठाकुर जी का महादुग्धाभिषेक किया गया। ये एक विशेष ये भी है कि आज गिरिराज जी का जो अभिषेक होता है उसका दर्शन सिर्फ साल में आज ही के दिन कर सकते हैं, नहीं तो पूरा वर्ष ठाकुर गिरिराज जी का अभिषेक का दर्शन नहीं होता। इसके साथ साथ आज शाम को ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार में दर्शन, फूल बंगला, छप्पन भोग के दर्शन होंगे। यहाँ बोली श्री राधा दामोदर लाल की जय। यहाँ का विशेष अनूठा परंपरा जो है ये श्री जीव गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले रखी थी, क्योंकि दामोदर वात्सल्य प्रेम के ठाकुर हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चे को रात को उठाकर अभिषेक नहीं किया जाता, उसी भाव से उनका अभिषेक दिन में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट भूमि के मुख्य ध्यान केंद्र, पूजा केंद्र, लोगों के आकर्षण के जो केंद्र है वो श्री गर्भगृह जी हैं। श्री गर्भगृह जी को आज कंस के जो कारागार का स्वरूप था उसका एक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई, सज्जा इस प्रकार की गई जिससे आने वाले श्रद्धालु जो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के दर्शन करने आ रहे हैं उनको वही अनुभूति हो कि श्री ठाकुर जी का
प्राकट्य कंच के कारागार में ही हो रहा है। मंगला आरती हमारे सनातन धर्म में श्री विग्रह की सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसी परंपरा में नित्य श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंगला आरती होती है। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो मंगला आरती की जाती है अति विशिष्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर सहस्त्र कोटि 33 कोटि देवता भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर दर्शन के लिए पधारते हैं। तो 33 कोटि देवता जिस आरती के साक्षी बने, भक्त भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं, वो जो भाव और वो जो एक दिव्य दृश्य है वो निश्चित रूप से वंदनीय है।
और 4 तारीख से ही हमारा लीला मंच में कार्यक्रम चालू हो जाएगा। भगवान के श्री कृष्ण लीला का प्रदर्शन 7 तारीख को विशेष रूप से यहाँ जो पूरे भारतवर्ष से प्रसिद्ध कलाकार आ रहे हैं उन सभी कलाकारों की एक शोभा यात्रा निकलेगी। जन्मस्थान संस्थान के द्वारा उनका स्वागत और उनके जलपान वगैरह व्यवस्था करके उनको बता किया जाएगा और समापन भी जन्मस्थान पे होगा। शोभा यात्रा खास क्या रहेगा जी? शोभा यात्रा खास क्या रहेगा? क्या खास रहेगा शोभा यात्रा में? नहीं, शोभा यात्रा जो है हमारे यहाँ से निकल करके पोता कौन और यहाँ से 7 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष भारतवर्ष में बड़ी विशिष्ट उपलब्धि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो चंद्रमा का अत्यंत सुंदर था वहां पर पहुंचे हैं। भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है वो सारे देश को गर्व और सुख की अनुभूति करा रही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और लास्ट में सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।